दोस्तों आज हम ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो हमारी ही तरह कभी गरीब हुआ करते थे, लेकिन हमेशा से ही उन्हें खुद पर भरोसा था। उन्हें यकीन था कि वो कुछ बड़ा काम करेंगे और इसी भरोसे ने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसे हम सभी पाना चाहते हैं। जाने माने उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बिरला ग्रुप के पास 200 कंपनियां थी जिनकी संपत्ति 2500 करोड़ के आसपास थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि कभी वे अपने भाई के साथ एक कमरे के किराए के मकान में रहते थे। उसी कमरे में वे सोते थे, उसी में खाना बनाते थे और उसी में कपड़े धोते और नहाते थे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वे पाँचवीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे। उनके भाई उनसे अक्सर कहते थे, पता नहीं क्यों हमारा भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। इस पर बिरला जी कहा करते थे, अपने हाथों को ध्यान से देखो, इनसे बड़ी दुनिया में और कोई ताकत नहीं है। एक वक्त आएगा और हमारे यही हाथ हमारा मुकद्दर सवार देंगे। बस इनकी ओर देखा करो और इनके सामने इच्छा प्रकट किया करो कि ये तुम्हें दुनिया में सम्मान और पैसा दोनों दिलवाए। तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, मैंने आज तक ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा, अपने इन दोनों हाथों से ही मांगा करता हूँ। वास्तव में यही दोनों मेरे लिए देवता हैं। उनके भाई ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। बिरला जी के कहने पर बार बार अपने हाथों की ओर देखा करते थे। फिर बिरला जी ने शून्य पूंजी से जूट का व्यापार शुरू किया, लेकिन समस्या ये थी कि इस व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। वे किसी भारतीय को इसमें सफल नहीं होने दे सकते थे। जब बिरला जी ने अपने व्यवसाय के लिए बैंकों से लोन लेना चाहा तो अंग्रेजों ने नहीं लेने दिया। जब उन्होंने अपनी मिल के लिए ज़मीन खरीदनी चाही तो भी अंग्रेजों ने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। भाई ने पूछा, अब क्या होगा? बिरला जी ने फिर कहा, अपने हाथों पर यकीन रखो, इन्हें कमज़ोर मत समझना। ये कुछ करने की जिद ठाने हुए हैं तो करके ही रहेंगे, और इतिहास गवाह है कि इस कर्मयोगी ने सारी मुसीबतों से जूझते हुए जूट का बिजनेस चलाकर ही छोड़ा। उन्होंने एक नहीं 200 कंपनियों की स्थापना करके दिखाई और अंग्रेज देखते ही रहे, चाहकर भी उनके कर्मयोग का मुकाबला नहीं कर सके। बिरला जी ने अनेक मंदिर और ट्रस्ट बनवाए, पिलानी में बिट संस्थान की स्थापना की जो कि आज देश का इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना माना संस्थान है। मुंबई में बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया तथा देश भर में स्कूल कॉलेज खुलवाए और भारत के इतिहास में अमर हो गए। बिरला जी ने अपने कर्मचारियों को अक्सर सिखाया करते थे कि अपने हाथों पर यकीन करो, अपने हाथों का सम्मान करो, अपने हाथों से कोई गलत काम मत होने दो, फिर सब अच्छा ही अच्छा होगा। बस अपने काम में लगे रहना, किसी भी परेशानी से डरना या घबराना नहीं।